हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आपका दादा टेकी दादा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों आज हमारे पास है ये, आप तो देख ही सकते होंगे, दिस इज द आईफोन 13 मिनी। ये 128 GB वाला वेरिएंट है, स्टार लाइट व्हाइट कलर में आता है। तो दोस्तों इसको जो है वो हम देखने वाले हैं, बॉक्स कंटेंट इसके अंदर क्या आ रहे हैं, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ये मुझे कितने में पड़ा है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पलट के अगर हम देखें बॉक्स को तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है, इंक्लूड्स आईफोन 13 मिनी एंड USB-C टू लाइटनिंग केबल, पावर अडैप्टर एंड हेडफोन सोल्ड सेपरेटली, जो कि एप्पल की पुरानी बीमारी है। खैर इसके अंदर जो है वो GSM, UMTS, LTE, 5G, sub-6 हर्ट्ज यहाँ तक का सपोर्ट मिल जाता है। सेलुलर टेक्नोलॉजीज यहाँ पर वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC, GPS, ये सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पर जो प्राइस है इसकी वो 69,900 रुपये लिखी हुई है और हमें भी खैर ये इतने में ही पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई भी हमें डिस्काउंट या छूट नहीं मिली है। बाकी ये फ़ोन जो है वो मैंने चेक करवाने के लिए खोला हुआ था, लेकिन यकीन मानिए बाकी कुछ मैंने देखा नहीं, बस फ़ोन ठीक ठाक इसके अंदर रखा हुआ है या नहीं ये मैंने चेक किया है, क्योंकि आपको तो पता है कि आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। तो चलिए इसको तो मैं खैर हटा लेता हूं, अब जो है वो इसको हम इसके हमेशा वाले स्टाइल में खोल लेते हैं। एंड हियर वी गो, ये आपको सबसे ऊपर ही मिल जाता है फोन। तो ये आप देख सकते हैं ये सब कुछ अभी फिलहाल जो है वो ढका हुआ है, और पीछे से आप फोन को देख सकते हैं ये किस तरीके का नज़र आ रहा है। इसके अंदर दो कैमराज आ रहे हैं, यहाँ पर जो है वो आपको एक माइक्रोफोन दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर एक फ्लैश है, इसको एक सेकंड के लिए हम साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर डिज़ाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया ये लिखा हुआ आता है, जिसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो एक सिम इजेक्टर टूल, इसके बाद आपके पास आ रहा है ये, जो कि एप्पल अपने हर प्रोडक्ट के साथ देता है, ये है सेब का स्टिकर और ये एक छोटा सा यूजर मैनुअल, और आखिर में चीज आ जाती है ये, जो कि है एक लाइटनिंग केबल, टाइप सी टू लाइटनिंग केबल है ये। ये देख सकते हैं आप, ये थंडरबोल्ट स्विच है, यानी कि पोर्ट है ये, और यहां पर जो है वो टाइप सी का दिया गया है। तो इसके लिए आपको चार्जर भी टाइप सी वाला लगेगा, और जो कि इस फोन के अंदर जाएगा। तो अब इसका ये वाला सामने वाला कवर हटाते हैं। इस साइड में देख सकते हैं आप केवल और केवल पावर बटन रखा गया है। इस साइड में ये जो स्विच है इससे आपका ये साइलेंट हो जाता है, ऊपर पुश करेंगे तो रिंगर पे आ जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, यानी कि कम ज़्यादा करने के लिए। और अब इसको हम हटा लेते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही छोटा है। इसको अगर मैं अपने हाथ पे रख के दिखा दूँ आपको तो पूरी मेरी हथेली भी नहीं भर पा रही है इससे। मेरे नॉर्मल फ़ोन को आप देख लीजिए कि उसका साइज़ कितना है और इसका साइज़ कितना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा नॉर्मल फ़ोन और ये है एप्पल 13 मिनी। तो आप यहाँ पर साइज़ डिफरेंस ज़रूर देख पा रहे होंगे। नीचे से अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो स्विच मिल जाता है जिसके अंदर आप चार्जिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये माइक्रोफोन है, यहाँ पर स्पीकर दिया गया है। ये साइड में आप देखें तो यहाँ पर आपको सिम स्लॉट मिलता है। तो सिम स्लॉट किस टाइप का है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मोस्टली एप्पल के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनके अंदर फ़ोन स्पेशली सिंगल सिम ही आते हैं। तो भैया ये देखिए, इसके अंदर भी एक ही सिंगल स्लॉट है, आप इसके अंदर जो है वो एक ही सिम डाल सकते हैं और बाकी कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। बाकी एप्पल का ऐसा कहना है कि भाई आपके पास अगर 128 GB इंटरनल स्टोरेज है तो फिर आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है। खैर उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन खैर और एक सिम के लिए स्लॉट तो देना चाहिए था कम से कम। और ऊपर वाले साइड में कुछ भी नहीं दिया गया है, ये जो सेकेंडरी माइक्रोफोन है वो यहाँ पर दिया गया है ताकि आपको अच्छा खासा नॉइस कैंसिलेशन मिल जाए। और ये आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा इसका स्क्रीन आपको नज़र आ रहा होगा, और ये देखिए कितना अच्छा इसका क्लैरिटी है स्क्रीन का।
तो ये फर्क आपको जरूर बाकी प्रोडक्ट्स में और एप्पल के प्रोडक्ट में देखने को मिल सकता है। ये इसके जो डिस्प्ले है, ये रेटिना डिस्प्ले यहाँ पर कहलाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड होते हैं और बहुत ज़्यादा इसके कलर्स जो है वो पंची होते हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ नज़र आते हैं। तो इस तरीके का इसका जो है वो ओवरऑल लेआउट आपको देखने को मिल जाता है। छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन इफेक्टिव है। यहाँ पर फ्रंट कैमरा आप देख सकते हैं और रियर कैमरा भी यहाँ पर आता है। तो कैमरा में चलते हैं तो एक जनरल, ये देखिए एक जनरल ही मैं दिखा रहा हूँ, बाकी कुछ इसका जो कंप्लीट रिव्यू है वो मैं अलग से बनाऊंगा, ये एक जनरल आपको बस दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये अभी इसका सेल्फी कैमरा जो है वो मैंने चालू कर लिया है और इसको ये मैं क्लिक करूँगा तो ये वाइड एंगल में आ गया, ये हल्का सा जूम हो जाता है यहाँ पर। ये देखिए, ये थोड़ा सा जूम आउट हो गया, ये थोड़ा सा जूम इन हो गया, ये मैंने अपने चेहरे के ऊपर जो है वो थोड़ा सा लाइट बढ़ा लिया है, लेकिन ये इमीजिएटली बर्न होने लगता है। तो एक आध फोटो खींच लेना चाहिए अगर नया एप्पल लिया है तो। अब इसका फोटो आउटपुट मैं आपको दिखा दूं, तो देखिए दोस्तों, एकदम ज़्यादा ही जब आप इसको जूम करेंगे तब ये पिक्सलेट होने लगता है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी जो है वो अच्छी लगी है मुझे। तो कुछ इस तरीके का है ये दोस्तों। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। इसके बारे में कुछ सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उनको भी लिख सकते हैं और खैर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें।